दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जहां पना शामगढ़ के राजा हवा सिंह ने हमारे और उनके बीच की जो संधि थी वो तोड़ दी है। यहां तक कि हमारे गुप्तचरों से हमें ये भी पता चला है कि वो हमारे ही खिलाफ कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मंसूबे बना रहा है। उसका निशाना मुगलिया महल है जहां पना। वो किसी की भी जान लेने की कोशिश भी कर सकता है। बस आपके एक इशारे की देर है, एक इशारा और हम उस हवा सिंह के ऐसे पर कतरेंगे, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा जहां पना। इस हवा सिंह की हरकतों पर नजर रखी जाए। अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो पहले तो हम उनके पर कतरेंगे, उसके बाद हम उनको ही कतर देंगे। जो हुक्म से लेला है। जा पना, ईरान के शहजादे जफर कामरान ने शहजादे सलीम को उनके सालाना जश्न में शामिल होने का न्योता भेजा है। बाकी मुल्कों के शहजादे भी आ रहे। वाह वाह वीरबल, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मुगलिया सल्तनत के मुस्तकबिल को पहचाना जा रहा है। लेकिन हमें सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि हम एक गधे के बाप हैं। इसलिए हमें लगता है कि एक पराए मुल्क में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी तालीम सलीम को मिलनी बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं आप मुल्ला जी? हाँ, क्यों नहीं जहां पना, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बीरबल, आप ये तालीम सलीम को देने की तैयारी शुरू कीजिए। जी जहां पना। हम अब्बा हुजूर को यह साबित कर देंगे कि अगर हम चाहें तो बीरबल जी और मुल्ला जी से कई ज्यादा जल्दी और फौलादी तरीके से हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि शाइखून है हम। मुझे पता है सलीम भाई साहब, ये है ना मेरे दोस्त जगत सिंह जासूस, ये सिखाएंगे हमें जासूसी करना, हर मुश्किल का हल निकालना। क्यों जगत सिंह जासूस, सही कहा ना मैंने? आपको सिखाने के लिए ही तो हम यहाँ आए आपके साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? मुझे पता है सलीम भाई साहब, क्योंकि एक अच्छा जासूस हमेशा अपने राज को राज ही रखता है। तुम फिक्र मत करो जगत सिंह जासूस, हम खुद को भी कभी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देंगे, क्योंकि शाही खून है आप। आज हम आप दोनों को खजाना ढूंढना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? खजाना ढूंढना। हाँ, ये देखिए, महल में इस जगह पर एक खजाना छिपा हुआ है। हमारे महल में खजाना छुपा हुआ है, तुम्हें कैसे पता? हम जासूस हैं, हमें सब पता होता है। अरे वाह, तो फिर जल्दी चलिए ना, इस खजाने तक पहुंचने के लिए हमारे फौलादी हाथ कैसे फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि शाही खून है हम। कहाँ चले गए ये शहजादे सलीम? सारा महल ढूंढ लिया। छोड़िए, आप यहाँ हैं और हम कब से सब सबर के आपको ढूंढ रहे हैं। आपको याद है ना, आप हमें घुमाने ले जाने वाले एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप होंगे और हम होंगे, और वहाँ आराम से बैठकर हम करेंगे प्यारी प्यारी बातें। उर्वशी, इस वक्त हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें बहुत जरूरी काम है, हमें शहजादे सलीम को तुरंत ढूंढकर उन्हें तालीम देनी। छोड़िए, आपके पास सबके लिए वक्त है सिवाय हमारे। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और आपने हमारी अनदेखी शुरू कर दी है। अभी तो हम सोच रहे हैं आपसे शादी करें भी या नहीं। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। चलिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको घुमाने ले जाएंगे। लेकिन आपको घुमाने से पहले गुम हुए शहजादे सलीम को ढूंढना है। अभी चलते हैं। शहजादे सलीम। तो ये है वो कमरा। वो खजाना भी इसी कमरे में होना चाहिए। शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, कहाँ हैं आप? शहजादे सलीम, क्या हुआ राजा बीरबल? अरे सिपाही, शहजादे सलीम को कहीं देखा आपने? हाँ, उन्हें तो रोज देखते हैं हम सुबह और शाम। अभी इस वक्त कहीं देखा है आपने? नहीं।
ढूंढिए ढूंढिए उन्हें और मिले तो इत्तला कीजिए हमें तुरंत। जी राजा बिरबल। कहां चले गए शहजादे सलीम? कहां हैं आप? ये क्या गुस्ता किया जगत सिंह जी? लगता है बीरबल जी को हमसे बहुत जरूरी काम है, हम अभी आते हैं। शहजादे सलीम। हाँ। अच्छा जासूस अपना काम बीच में छोड़कर नहीं जाता। और जरा सोचिए सोचिए जब जहां पना को पता चलेगा कि आपने महल में छिपा हुआ खजाना ढूंढ लिया है तो उन्हें आप पर कितना गर्व होगा। शाही खून है हम, अब्बा हुजूर को हम पे गर्व हो उसके लिए तो हम अपनी जान देने को तैयार है। चलिए पहले खजाना ढूंढते हैं। हाँ। तो नक्शे के हिसाब से कोई ना कोई गुप्त रास्ता उस खजाने तक पहुंचने के लिए इसी कमरे में है। दरवाजा तो ये रहा। अरे इतने से दरवाजे को तो हम अभी अपनी फौलादी बाजू से खोल देते हैं। अंदर की तरफ तक खोदो, अंदर की तरफ। सलीम भाई साहब तू खोल के दिखा, खोल के दिखा। नहीं खुलेगा। खुलेगा? अब कोशिश कीजिए। खुल जाओ दरवाजा। यही है खजाने तक जाने का रास्ता। जाइए और जाकर देखिए। लेकिन अंदर तो बहुत अंधेरा है जगत सिंह जासूस। आप अंदर जाइए और जाकर देखिए, खजाना यही मिलेगा। जाइए। और अंदर? हाँ और अंदर। और अंदर? और अंदर जाते रहिए, खजाना दिखेगा। अरे मैं भी जाऊँ अंदर सलीम भाई। हाँ तुम भी जाओ वासु। वाह जगत सिंह मेरा दोस्त, दीवा खजाना। अरे भाई अंदर तो बहुत अंधेरा है, मुझे पता है, मुझे अंधेरा से बहुत डर लगता है। वासु अंदर जाओ। नहीं नहीं पप्पे पप्पे अरे अरे जगत सिंह जासूस दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा। जगत सिंह। अरे जगत सिंह जासूस अंदर अंधेरा है भाई। मेरे दोस्त जगत सिंह जासूस अंदर अंधेरा है भाई। धोखेबाज। जगत सिंह। शहजादे सलीम को तालीम देनी है, लेकिन शहजादे सलीम है कहाँ? महल में चारों ओर तो देख लिया, कहाँ नहीं शहजादे सलीम का? माफ कीजिएगा हमने आपको देखा नहीं। सुनिए आपको पहले कभी इस महल में देखा नहीं, कौन है आप? जी मैं जगत सिंह जी, व्यापार के सिलसिले में व्यापार मंत्री फजल खान जी से मिलने आया था। राजा बिरबल की जय हो। शहजादे सलीम कहीं मिले आपको? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने शहजादे सलीम और वासुदेव जी को आखिरी बार इन्हीं के साथ महल में देखा था। इनके साथ? आपने तो कहा था कि आप फजल खान से मिलने आए, तो फिर शहजादे सलीम और वासु आपके साथ क्या कर रहे थे? कहाँ है वो? जी वो दोनों रानी साहिबा से मिलने उनके कमरे में गए हैं जी। हम जल्दी में हैं, हम चलते हैं। रुके, रानी साहिबा तो दीवाने खास में है, कमरे में नहीं। बताइए कहाँ है शहजादे सलीम और वासु? सिपाही पकड़ो उन्हें। रुको, पकड़ो पकड़ो चल। जगत सिंह जगत सिंह।
ये हैं कौन? जा बना, इनका नाम जगत सिंह है। सिपाही ने हमें बताया कि आखिरी बार शहजादे सलीम और वासु को इन्हीं के साथ देखा गया। हम इनसे पूछताछ करने ही वाले थे कि जहां बना हो ना हो, ये शामगढ़ के राजा हवा सिंह का ही कोई गुप्तचर है जो महल में मौजूद शाही लोगों की जान के पीछे पड़ा हो या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आया। हे भगवान, क्या कह रहे आप मुल्ला जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारे सलीम और वासु को नुकसान पहुंचाया हो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा रानी साहिबा, किसी को कुछ नहीं होगा। जा बना हो ना हो, शहजादे सलीम और वासु किसी महल में कहीं है। बिना समय गवाए हमें उन्हें ढूंढना चाहिए जल्द से जल्द। सही कह रहे हैं आप, हम सब अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं। तो ठीक है जहां बना, आप लोग सब ढूंढिए, हम इसका पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए निकालिए सब लोग। सलीम, अरे बेटा कहाँ है तू? सलीम, वासु, मोमो, वासु कहाँ? अम्मी जान, फूफी, हमें बाहर निकालो फूफी। अम्मी जान, हम यहाँ हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो। जहाँ बना, जहाँ बना, जहाँ बना। हम अपनी जिंदगी में कभी अपने दुश्मन के पीछे इतना नहीं भागे जितना इन कदों को ढूंढने के लिए हमें भागना पड़ रहा है। महल में चूहे भी बहुत हो गए। चूहा हमें अब्बा हुजूर क्यों कह रहा है? एक शेर कभी एक चूहे का बाप नहीं हो सकता। अब्बा हुजूर, हम यहाँ हैं, हमें बाहर निकालिए। बुबू, मुझे पता है कि आपको नहीं पता बुबू, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बुबू, मुझे बचा लो। सलीम, वासु की आवाजें लग रही हैं। सलीम, वासु। अब्बा हुजूर, सलीम, बुबू सुन रहे हो ना आप? बुबू, अरे सलीम भाई साहब, ये कहां फंस गए? शहजादे सलीम, वासु, बीरबल, बीरबल। अरे जापना, आप अंदर कैसे चले गए? अरे हम यहाँ हैं बीरबल। जापना, इस दरवाजे के पीछे शहजादे सलीम और वासु है, उनकी आवाजें आ रही हैं। लेकिन उनकी आवाजें तो और भी कई कमरों से आ रही हैं। पर ये कौन सा दरवाजा है? ये क्या जगह है? ये हमारा महल का कौन सा कोना है? हमने इस जगह को कभी देखा क्यों नहीं? जाबना, इस दरवाजे के पीछे से शहजादे सलीम और वासु की आवाज बहुत तेज आ रही है। और ये देखिए, ओ नई ली। अरे नहीं जाबना, वही तो कह रहे, नई ली तो दो लेते ना, एक क्यों ली? अरे जाबना, ये वासु की जूती है। हाँ, वासु की, वासु की। जरूर जब शहजादे सलीम और वासु को जबरदस्ती इस दरवाजे के पीछे डाला गया होगा तो वासु की जूती बाहर छूट गई। और सलीम की? चापना, जरूरी नहीं है कि शहजादे सलीम की भी जूती बाहर छूटे। सही कह रहे हैं आप बीरबल, सही कह रहे हैं आप। अब इस दरवाजे को किसी तरह खोलिए, ये खुलता कैसे है? कोशिश करते हैं चापना। बीरबल, अगर ऐसे नहीं खुल रहे, ऐसे ऐसे खोलिए। बीरबल, जापना, आप कोशिश कीजिए। नहीं बीरबल, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। जापना, जरूर इस दरवाजे को खोलने का कोई तकनीकी तरीका होगा। जापना, अगर हमारे सलीम वासु को कुछ हो गया ना, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे हम। बीरबल, कुछ भी कीजिए, जो बन पड़ता है कीजिए, लेकिन सलीम वासु को इस दरवाजे से बाहर निकालिए। बाहर निकालिए बीरबल, हम थोड़ा शरबत पी के आते हैं। ये रानी, अब शहजादे सलीम और वासु को इस दरवाजे के पीछे से निकालने का एक ही रास्ता है। महल का नक्शा मैं
रहा महल का नक्शा। महल के दस्तावेज के हिसाब से महल 50 साल पुराना है, लेकिन इस नक्शे में ऐसी किसी भी दीवार का कोई जिक्र नहीं है जिसके पीछे कोई गुप्त जगह हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर शहजादे सलीम और वासु, बीरबल, शहजादे सलीम और वासु को बचाने का कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर सो जाते। क्या है, क्या है? जहां पर हम बता दे रहे हैं, अगर शहजादे सलीम और वासु जी को कुछ हुआ ना तो ये भाला गले में घुसार देंगे हमारे। नहीं जहां पर अपने खुद के, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। किसी को कुछ नहीं होगा। आपको हम पर भरोसा है ना? हमें भी नहीं है। हट जाइए हमारे सामने से। बीरबल, क्या हो, क्या रहा है? जहांपनाह, हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर इस दरवाजे और दीवार पर कोई असर ही नहीं हो रहा। एक खरोच तक नहीं आ रही है, ये टूट ही नहीं रहा। जहांपनाह, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा ये जानने के लिए हमने शाही कारीगर भगत सिंह जी को यहाँ बुलाया। जहांपनाह, गुस्ताखी माफ, मैंने ये महल नहीं बनाया, इसलिए मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, महल का नक्शा और दस्तावेज देख कर मैं कुछ ना कुछ जरूर बता सकता हूँ। नींव कमजोर है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नींव कमजोर है। अगर नींव कमजोर है तो वहां से खोदिए जहां नींव है, नीचे। जहां पनाह, नींव कमजोर है, मेरा तकिया कलाम है। बेकार है। देखिए भगत सिंह जी, हमने सारे दस्तावेज और नक्शे देख लिए। किसी भी नक्शे या दस्तावेज में दरवाजे और दीवार के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। पर लेकिन कोई तो तरीका होगा सलीम और वासु को यहां से बाहर निकालने का, कोई तरीका। जहां पनाह, अगर कोई तरीका है तो सिर्फ कारीगर असद खान ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये महल बनाया था। नींव कमजोर है। माफी चाहेंगे, लेकिन जिस तरह आप हिल रहे हैं, नींव आपकी कमजोर है। आपकी ये इमारत बहुत जल्द ढहने वाली है। अब जाबना, हमें जल्द से जल्द असद खान से मिलना होगा। इजाजत चाहते हैं। जाइए। लीजिए सलीम, वासु। अरे अरे अरे, देखो। जहां पर सलामत रहे। हाँ मुल्ला जी, कुछ पता चला उस आदमी का? बहुत जल्द पता चल जाएगा जहां पर, आप बेफिक्र रहिए। ये भी पता चल जाएगा कि वो किसके लिए काम करता है। जिसके लिए भी काम करता है उसे तो हम ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह ही कांप उठेगी। जहां पर वासु, अगर हमें जल्दी किसी ने यहां से बाहर नहीं निकाला तो हमारी सांस अपने आप बंद हो जाएंगी। वैसे भी यहां पे बहुत घुटन है और हवा भी कम है। अगर हमें नहीं बाहर निकाला तो हमारा दम घुट जाएगा। अरे राजा बीरबल, आइए आइए आइए। जी कहिए। प्रणाम, हम वो असद खान जी से मिलना चाहते थे। ओ जी, नहीं मिल सकते। 6 महीने पहले हमारे दादाजी की मौत हो गई, छेनी चला के। छेनी चला के किसी की मौत कैसे हो सकती है? अरे नहीं नहीं नहीं, छेनी चला के तो हमारा तकिया कलाम है। दादाजी तो सोते सोते अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ बस
मैं ही बचा हूं अकेले इस दुनिया में खेनी चला के। शहजादे सलीम और वासु को बचाने के लिए असद खान ही हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब कैसे बचाएंगे हम शहजादे सलीम और वासु को?